ओके, कार्डिनल सिम्टम्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट। इसमें ये है कि अब जो आपकी मेन हिस्ट्री का पार्ट होता है ना, बाकी सारी हिस्ट्री तो आप ले लेते हो ना पेशेंट से, लेकिन जो मेन हिस्ट्री का पार्ट होता है वो होती है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। ठीक है, कि आपने फॉर एग्जांपल जो पेशेंट है वो आपको बताता है कि मुझे दर्द है। ठीक है, अब जो दर्द है उसके बारे में आपने पूछना है सबसे पहले कि वो जो दर्द है उसको कहाँ पर है, किस जगह पर आपको दर्द है। ठीक है, तो पेशेंट जो है वो आपको बताएगा कि उसको दर्द कहाँ पे है, हाथ लगा के बताएगा कि डॉक्टर साहब ये मैदे की जगह पे हाथ लगा के, स्टमक की जगह पे ऐसे एपिगैस्ट्रियम में हाथ लगा के बताएगा। तो एपिगैस्ट्रियम के अंदर अगर वो हाथ लगा रहा है, इट मींस कि कोई ज़रूरी नहीं है ड्यूडेनल अल्सर हो, ये वैसे ही इन्होंने लिखा हुआ है कि एपिगैस्ट्रियम में। अब देखें वहाँ पर स्टमक भी है, ठीक है, मेन आपका स्टमक में स्टमक है, डिडिनम है, तो ये वाले रीजन्स आ जाते हैं। अगर तो इस्कीमिक हार्ट डिज़ीज़ की दर्द होगी तो वो आपको वो चेस्ट की तरफ ऐसे चेस्ट के ऊपर हाथ लगाएगा, पूरी ओवर द कॉर्डियम डिफ्यूज़ हाथ लगाएगा, पॉइंट करके नहीं बताएगा। ठीक है, इस तरह से मतलब साइट ऑफ पेन, पेशेंट से पूछ लेना कहाँ दर्द है, हाथ लगा के बताओ, हाथ लगाएगा वो पॉइंट करेगा उस दर्द को या डिफ्यूज़ली ऐसे हाथ रख देगा अपना पूरा का पूरा। फिर इंटेंसिटी क्या है, पेशेंट से पूछना है कि वो मतलब बताएं कि वो इंटेंसिटी कैसी है। अब इंटेंसिटी का वो ये तो नहीं बता सकता थोड़ी है ज़्यादा है, ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा कि कितनी दर्द थी। ऐसी दर्द थी कि आपको रात को उठ के बैठ जाते थे आप, उससे आपको पता चल जाएगा बहुत ज़्यादा दर्द थी। ठीक है, फिर उन्होंने बताया हुआ कि जैसे मायोकार्डियल इस्कीमिया, पैंक्रियाटाइटिस और जो इसके कॉली की पैंक्रियाटाइटिस की तो बहुत शिद्दत दर्द होती है। पेशेंट जो है ना वो बिल्कुल एक एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के केस ऐसे ही है जैसे मैं कहती हूँ हार्ट अटैक है। ठीक है, तो ये पेन्स जो है ना ये बहुत सीवियर है, पेशेंट से बर्दाश्त नहीं होती और पेशेंट की वो बुरी हालत हो जाती है। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ पेन क्या है। अब ये ओडी पारा देखें, अब यहाँ पे हर किसी में अप्लाई नहीं हो रहा, वो जनरल था या ओडी पारा में। यहाँ पे देखो अभी तक कि साइट ऑफ पेन ओडी पारा में नहीं था, कहाँ पे है दर्द, कितनी शिद्दत की दर्द है, रेडिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ के पेशेंट में। आपको पता है रेडिएशन होती है जॉज में, आर्म्स में, नेक में। ठीक है, तो पेशेंट की जो पेन है वो कहीं और तो नहीं जा रही। फॉर एग्ज़ाम्पल बता रहे हैं कि जो कोलेसिस्टाइटिस की पेन होती है गॉल ब्लैडर की, वो जो है वो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम से लेके बैक की तरफ जाती है। इसी तरह पैंक्रियाटाइटिस की जो पेन होती है वो भी बैक की तरफ जाती है, और ये पेन ऑफ कार्डिक इस्कीमिया की आपको पता है लेफ्ट आर्म और जॉ में जाती है। शिफ्ट ऑफ पेन, ये तो नहीं है कि पहले आपकी पेन यहाँ पे थी अब यहाँ पे हो गई, जैसे अपेंडिसाइटिस का आपको पता है कि पहले जो है वो अम्ब्लाइकस के गिर पेन होती है और फिर राइट इलियक फोसा की तरफ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से। फिर रेफर्ड पेन, रेफर्ड पेन में यही है कि एक होता है ना कि एक दर्द होती है जो एक जगह से साथ ही शिफ्ट हो जाए, मतलब शिफ्टिंग ऑफ पेन, मतलब कि जैसे यह है ना कि इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ के साथ साथ ऐसे रेडिएट कर रही है उसी जगह से। एक होती है कि एक जगह पे और बॉडी के एक जगह पे और बॉडी के किसी दूसरी जगह पे जाके, दिस इज़ रेफर्ड पेन। सो रिमोट साइड अवे फ्रॉम द मेन साइड, ये रेफर्ड पेन होती है। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन शिफ्टिंग ऑफ पेन एंड द मतलब रेडिएशन ऑफ द पेन, शिफ्टिंग ऑफ पेन, रेफर्ड पेन, ये तीन अलग चीज़ें हैं। तो पेन ऑफ कोलेसिस्टाइटिस जो होती है वो कहाँ पे होती है, टिप ऑफ शोल्डर पे भी होती है। दिस इज़ नॉट रेडिएशन, दिस इज़ नॉट द शिफ्टिंग ऑफ पेन, दिस इज़ एक्चुअली दोनों पेन इकट्ठी हो रही हैं और रेफर्ड पेन है। ठीक है, देन द ड्यूरेशन ऑफ पेन, ड्यूरेशन ऑफ पेन, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि एंजाइना जो है वो पेन लेस दैन 30 मिनट्स होती है और मायोकार्डियल इंफार्क्शन में मोर देन 30 मिनट्स होती है। ठीक है, और परसिस्टेंट चेस्ट पेन होगी, इट मीन्स दैट दिस इज इस्कीमिक हार्ट डिजीज़। फिर करेक्टर आ जाता है पेशेंट की पेन कैसी है, स्टैबिंग और कटिंग आपको पता है दिस इज़ द छुरी की तरह ऐसे लगती है, ये जो एओर्टिक डायसेक्शन की होती है। जलन होने वाली पेन है, हैवीनेस ऑन द चेस्ट, जैसे एलिफेंट सिटिंग ऑन द चेस्ट हमने देखा था, हार्ट पेन। ठीक है, और इस तरह से करेक्टर ऑफ पेन क्या है, बहुत हल्की सी दर्द है और इस तरह से। उसके बाद आपने फ्रीक्वेंसी एंड पीरियडिसिटी पूछ ली। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है कि क्या पेशेंट की जो पेन है वो उसको किस टाइम होती है, मतलब कि
सुबह के टाइम होती है, रात के टाइम होती है, दरमियान में ठीक हो जाती है, बढ़ रही है, कम हो रही है, ये प्रोग्रेशन में आ जाता है, प्रोग्रेशन आ जाता है इसमें। और दूसरा ये कि एग्रीवेटिंग, ठीक है। पीरियडिसिटी मीन्स पेशेंट गेट्स बाउट्स ऑफ पेन फॉर फ्यू वीक्स, फिर वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और फिर पेन शुरू हो जाती है, दिस इज़ द ड्यूडिनल अल्सर। स्पेशल टाइम ऑफ अल्सर जैसे कि मिडनाइट में जो पेशेंट को उठा दे वो ड्यूडिनल अल्सर है, ठीक है। और साइनोसाइटिस जो होता है ये जैसे ही पेशेंट सो के उठता है तब उसको पेन शुरू होती है। और मेंसिस की जो पेन होती है, सॉरी मेंसिस के दौरान जो पेन होती है, हेडेक ऑफ माइग्रेन, माइग्रेन जो है वो मेंसिस के दौरान ज़्यादा हो जाती है, ये एग्रीवेशन में आ जाती है। एग्रीवेटिंग फैक्टर्स में पेशेंट से ये पूछना है कि आपको जो पेन है वो किस तरह से, मतलब ज़्यादा होती है, मूवमेंट से ज़्यादा होती है, ठीक है। एंजाइना की पेन जो है वो एग्जर्शन से ज़्यादा होती है। पेप्टिक अल्सर की जो है वो स्पाइसी फूड्स खाने की वजह से ज़्यादा हो जाती है। प्लूरेटिक पेन जो होती है वो खांसी करने से और गहरा सांस लेने की वजह से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो एग्रीवेटिंग फैक्टर्स। फिर रिलीविंग फैक्टर्स आ जाते हैं कि रेस्ट की वजह से एंजाइना की पेन ठीक हो जाती है, सबलिंगुअल नाइट्रेट्स की वजह से ठीक हो जाती है, इसी तरह जो एंटीसिड्स और फूड लेने की वजह से, पता है आपको, ड्यूडिनल अल्सर की पेन ठीक हो जाती है, और फूड ना लेने की वजह से ड्यूडिनल अल्सर की पेन जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। दिस इज़ ऑपोजिट ऑफ गैस्ट्रिक। उसके बाद आ जाता है कि एसोसिएटेड फिनोमेना, के एसोसिएटेड डिजीज़ तो नहीं है पेशेंट को, वही के हमने सारे वो सिस्टेमिक इंक्वायरी कर ली कि पेशेंट को जो है वो जो है वॉमिटिंग जो है अदर सिम्टम्स में भी प्रेजेंट, लाइक वॉमिटिंग इन द एब्डोमिनल पेन ड्यू टू कोलेसिस्टाइटिस। अब पेशेंट एब्डोमिनल पेन कह रहा था और साथ में हम और क्या मसला था, वॉमिटिंग थी, ठीक है। इसी तरह हेडेक ड्यू टू मेनिंजाइटिस, पैल्पिटेशन एंड स्वेटिंग इन चेस्ट पेन ऑफ इस्कीमिक हार्ट डिजीज, हिमेचोरिया इन द यूरिटरी कॉलिक, डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमिन एंड कॉन्स्टिपेशन इन द इंटेस्टाइनल कॉलिक ड्यू टू इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ये जब आप डिजीज पढ़ेंगे फिर आपको पता चल जाएगा कि हमने क्या क्या पूछना होता है पेशेंट्स। फीवर, ठीक है। अब पेन की हिस्ट्री होगी, पेन में आपने क्या क्या पूछा, इंटेंसिटी क्या है, सबसे पहले साइट क्या है, फिर इंटेंसिटी क्या है, फिर वो रेडिएट तो नहीं कर रही, कहीं शिफ्ट तो नहीं हो रही, रेफर्ड तो नहीं है, ये तीन चीज़ें एक जैसी हो जाती हैं ऑलमोस्ट। फिर ड्यूरेशन आ जाती है पेन की, वो ओडी पारा, बाकी सारा वही है, करेक्टर कैसा है, एग्रीवेटिंग रिलीविंग फैक्टर्स क्या है, प्रोग्रेशन तो नहीं हो रही, एसोसिएशन क्या है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी पेन की हिस्ट्री थी। अब आती है फीवर, ठीक है। फीवर इज़ व्हाट, इट इज़ राइज इन बॉडी टेम्परेचर, आपको पता है। और ये बहुत कॉमन है, पेशेंट्स फीवर का जो है ना देते हैं। तो सबसे पहले आपने पूछा कि जो है ना फीवर जो है वो आपको मोड ऑफ ऑनसेट क्या था, ठीक है। ये आपका सबसे पहले ओडी पारा का पहला वर्ड है ऑनसेट, कि एकदम से फीवर हो गया था, एक्यूट ऑनसेट, फॉर एग्जांपल मलेरिया और निमोनिया का एकदम से हो जाता है, या फिर क्रोनिकली जो इन्फेक्शन चल रहा है टीबी का, फीवर जो है वो ड्यू टू क्रोनिक इन्फेक्शंस, और जो मेलिग्नेंसीज हैं उनका ग्रेजुअल ऑनसेट होता है, मतलब कि जो क्रोनिक इन्फेक्शंस हैं उनका आहिस्ता आहिस्ता फीवर शुरू होता है, और जो एक्यूट इन्फेक्शंस होते हैं उनमें अचानक हो जाता है। फिर राइगर्स एंड चिल्स, अच्छा आपको जो बुखार है उसके साथ आपको कोई ठंड तो नहीं लगती, सर्दी तो नहीं लगती, कपकपाहट तो नहीं होती, ठीक है। इसका मतलब कि बॉडी में बहुत तेज़ी से बुखार हुआ है। मलेरिया में ऐसा होता है कि साथ साथ बुखार के साथ साथ जो है ना सर्दी कांपने लग जाते हैं लोग, ठीक है। और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो भी एक्यूट इन्फेक्शन होते हैं ना उनमें साथ में चिल्स एंड राइगर्स होना शुरू हो जाते हैं। ग्रेड क्या है, हाई ग्रेड है, लो ग्रेड है, या क्या है। अब ये जो ग्रेड है, अच्छा कितना बुखार हुआ था, तो पेशेंट्स कहते हैं चेक ही नहीं किया था हमने तो, या अगर चेक किया था तो वो थर्मोमीटर के साथ उन्होंने पूछना है आपने कैसे चेक किया था, किसने चेक किया था, थर्मोमीटर वो बताएगा कि थर्मोमीटर से चेक किया था, ठीक है। तो उसमें आप ये लिखोगे कि रिकॉर्डिंग टेम्परेचर, इस तरह से। फिर पैटर्न ऑफ फीवर क्या है, अब कंटिन्यूस फीवर है, कंटिन्यूस फीवर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये डेफिनेशंस कि टेम्परेचर डज नॉट टच बेस लाइन एंड वेरिएशन बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम इज़ अ डे और इन अ डे इज ऑफ लेस देन 1 degrees, ठीक है। फीवर ऑफ टाइफॉइड इज़ कंटिन्यूस, ठीक है। ये आपकी जो है ना फीवर की बेस लाइन है जो नीचे नज़र आ रही है, ठीक है। और
जो है ना, अब वो जो है ना टेम्परेचर वो कंटिन्यूस रह रहा है, मतलब कि वो बेस लाइन को टच नहीं कर रहा। ठीक है, इसको मैं आपको दिखाती हूँ। पैटर्न्स ऑफ फीवर में क्या है कि हम ना ये करते हैं 24 आवर्स के अंदर देखते हैं, ये 24 आवर्स है हमारे, ठीक है, और ये हमारी बेस लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे आ जाता है 1 डिग्री सेल्सियस। कंटिन्यूस फीवर में क्या होगा कि जो हमारा फीवर होगा ना वो 1 डिग्री वेरी करेगा, 1 डिग्री फॉरेनहाइट वेरी करेगा, ठीक है, कहाँ से मैक्सिमम मिनिमम के दरम्यान में, और बेस लाइन को टच नहीं करेगा। मतलब फॉर एग्जांपल 37.5 इज़ अ नॉर्मल टेम्परेचर, तो अब जो टेम्परेचर होगा वो 1.1 डिग्री जो है ना वो वेरी करेगा, मतलब कि टेम्परेचर जो है वो 24 घंटे के अंदर अंदर 37 से 38.5, ठीक है, इतना वेरी करेगा, मतलब पेशेंट्स को इतना रहेगा और कंटिन्यूसली रहेगा, ख़त्म नहीं होगा, मतलब बेस लाइन की तरफ जाएगा ही नहीं, बिल्कुल नॉर्मल नहीं होगा। दिस इज़ द कंटिन्यूस फीवर, और ये किस में हमें देखने को मिलता है, टाइफॉइड में। अब रीमिटेंट और जो कंटिन्यूस फीवर है उसमें क्या डिफरेंस होता है कि रीमिटेंट के अंदर यहीं पे हमारा 2 डिग्री फॉरेनहाइट के दरम्यान में वेरी करता है, मतलब पहले जो 37 और 38 के दरम्यान में वेरी कर रहा था 24 आवर्स में, अब वो जो फीवर है वो 37 से 39.5 वेरी करेगा, मतलब 2 डिग्री सेल्सियस तक वेरी करता रहेगा 24 आवर्स में। और ये जो रिमिटेंट होता है ये भी कंटिन्यूस फीवर की तरह बेस लाइन को टच नहीं करता, लेकिन जो इंटरमिटेंट फीवर होता है ना, इंटरमिटेंट फीवर जो होता है ये हमारी बेस लाइन को टच करता है, ठीक है, ये दोनों बेस लाइन को टच नहीं करते। कंटिन्यूस में 1 डिग्रीज का जो है वो आता है, रिमिटेंट में 2 डिग्रीज की वेरिएशन आती है, लेकिन बेस लाइन को दोनों टच नहीं कर रहे होते। लेकिन जो इंटरमिटेंट होता है ना ये हमारा जो है ना बेस लाइन को टच करता है, ठीक है, बेस लाइन को टच करता है। ये इस तरह से होगा कि इसमें जो है वो कुछ घंटे जो है फीवर रहेगा और फिर बिल्कुल फीवर ख़त्म हो जाएगा, मींस बेस लाइन को टच कर जाएगा, ठीक है। अब इसकी डिफरेंट जो है ना हमारी टाइप्स होती है, जो है क्वाटिडियन फीवर होता है, टर्शियन होता है, क्वार्टन फीवर होता है। इसमें डिफरेंस ये होता है कि इंटरमिटेंट तो सबसे पहले ये आता है ना कि फीवर जो है वो कुछ घंटे तक रहता है, ठीक है, घंटे तक रहता है और फिर जो है ना बेस लाइन को टच कर जाता है, ये जो बेस लाइन है इसको टच करेगा, फिर जो है दरमियान में हमारा एक फेज़ आएगी जिसमें कोई फीवर नहीं होगा, फीवर फ्री इंटरवल होगा और फिर से फीवर राइज करेगा। और इस तरह से ये किस में होता है, जैसे टीबी के लोगों में पता है ना, रात शाम के टाइम उनको बुखार शुरू हो जाता है और नाइट स्वेट्स आना शुरू हो जाते हैं, सुबह बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, तो दिस इज़ एक्चुअली इंटरमिटेंट फीवर के जो कुछ घंटे के लिए जो है वो बिल्कुल फीवर फ्री इंटरवल लेता है, जैसे सुबह के टाइम बिल्कुल फीवर ख़त्म हो जाएगा और शाम के बाद दोबारा से हो जाएगा, दिस इज़ एक्चुअली द केस। और जो मलेरिया फीवर होता है वो भी हमारा जो है इसी तरह से होता है। मलेरिया फीवर जो होता है ना, इसमें ये होता है कि जो ये वाला फीवर है ना, क्वाटिडियन फीवर, इसमें क्या है कि डेली फॉर फ्यू आवर्स फीवर जो है वो रोज़ाना कुछ घंटे रहेगा और फिर ठीक हो जाएगा, रोज़ाना आएगा, मतलब कि डेली 24 आवर्स में रोज़ाना आएगा, टेम्परेचर कुछ देर के लिए रहेगा और फिर ख़त्म हो जाएगा, दिस इज़ द क्वाटिडियन फीवर। जो टर्शियन फीवर है उसमें ऑल्टरनेट डेज पे आएगा, मतलब कि अगर यहाँ पे बात की जाए तो ये यहाँ पे बिल्कुल फीवर नहीं आएगा, एक दिन बिल्कुल फीवर नहीं आएगा, ठीक है, फीवर यहाँ पे आया था इस वाले दिन में, पहले दिन आया था, ठीक है, पहले दिन फीवर आया, ये फर्स्ट डे पे फीवर आया, दूसरे दिन बिल्कुल ख़त्म हो गया, दूसरे दिन कोई फीवर नहीं था, फिर तीसरे दिन जाके फीवर आया, ठीक है, फिर चौथे दिन कोई फीवर नहीं आया, फिर पांचवें दिन आके फीवर आया, ठीक है, दिस इज़ एक्चुअली टर्शियन फीवर, ऑल्टरनेट डेज पे फीवर आएगा। और क्वार्टन फीवर क्या होता है कि इंटरवल ऑफ 2 डेज, मतलब कि अब यहाँ पे 2 वाले दिन दूसरे वाले दिन भी फीवर नहीं आएगा और जो है ना 3rd डे भी फीवर नहीं आएगा, 4th डे पे जाके फीवर आएगा, फिर 5th डे पे भी फीवर नहीं आएगा, 6th डे पे भी फीवर नहीं आएगा, आएगा किस दिन, 7th डे पे फीवर आएगा, ठीक है, दिस इज़ एक्चुअली क्वार्टन फीवर कि 2 डेज का इंटरवल होगा तो क्वार्टन फीवर होगा और 1 डे का होगा तो टर्शियन होगा और एक दिन में कुछ आवर्स के लिए रहेगा और फिर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, दिस इज़ जो क्वाटिडियन फीवर। फिर रिलैप्सिंग फीवर होता है, रिलैप्सिंग फीवर क्या होता है कि बहुत दिन तक, मतलब कि उसमें तो ये था ना कि एक दिन दो दिन का वक्फा आ रहा था, इसमें क्या है कि फीवर जो है वो कुछ दिन के लिए होगा और फिर
उसी उन्हीं दिन के लिए, मतलब कि फॉर एग्जांपल 3 दिन के लिए फीवर हुआ, 3 दिन के लिए बिल्कुल फीवर नहीं हुआ, ठीक है, फीवर फ्री इंटरवल ऑफ सिमिलर ड्यूरेशन, दिस साइकिल इज़ रिपीटेड, और ये पेल एब्सटिन फीवर भी हम इसको कहते हैं। 3 दिन के लिए फीवर हुआ, 3 दिन के लिए फीवर नहीं हुआ, फिर 3 दिन के लिए फीवर हुआ, फिर 3 दिन के लिए फीवर नहीं हुआ, दिस इज़ एक्चुअली द केस, ठीक है। सो मतलब ये मैं कह रही हूँ कि सेवरल डेज, इसमें 3 दिन भी नहीं हो सकते, 9 दिन भी हो सकता है, ठीक है। सो सेवरल डेज के लिए फीवर रहेगा और फिर फीवर फ्री इंटरवल रहेगा, साइकिल इज रिपीटेड, एंड दिस इज़ इन द केस ऑफ हॉजकिंस डिजीज एंड इज कॉल्ड एज पेल एब्सटिन फीवर। तो ये फीवर के टाइप्स होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से, इस वजह से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो नेक्स्ट पार्ट से जो है ना हम करते हैं बाकी, लेकिन ये है कि इस पर एसोसिएटेड फीवर सिम्टम्स हम देख लेते हैं फीवर के फीवर के साथ साथ पेशेंट को हेडेक, वॉमिटिंग जो है हो सकती है, ठीक है। हेडेक जो है, अगर फीवर के साथ हेडेक है तो आपने मेनिनजाइटिस को देखना है, वॉमिटिंग हेडेक वॉमिटिंग फीवर है तो मेनिनजाइटिस को रूल आउट करना है, ठीक है। और इसके अलावा जो है साथ में देखना ईयर डिस्चार्ज तो नहीं है, मतलब ओटाइटिस मीडिया की तरफ की वजह से तो नहीं फीवर हो रहा, ठीक है। सोर थ्रॉट की वजह से तो फीवर नहीं हो रहा, गला ख़राब होने की वजह से, कफ़ की वजह से फीवर, मतलब रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से फीवर तो हो सकता है, लिवर एब्सेस की वजह से, कोलेसिस्टाइटिस, अगर पेन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के साथ फीवर है मीन्स आपको ये कंसिडर करना चाहिए, अगर फीवर के साथ डायरिया हो रहा है तो मीन्स आपको डायजेंट्री कंसिडर करना चाहिए, अगर पेशेंट को फीवर के साथ पाइलोनेफ्राइटिस मतलब के पेन इन फ्लैंक्स है तो आपको जो है वो पाइलोनेफ्राइटिस कंसिडर करना चाहिए, अगर फीवर के साथ डिस्यूरिया और बर्निंग मेंस्ट्रुएशन है तो यूरिनरी, और अगर फीवर के साथ नाइट स्वेट्स हैं तो टीबी, ठीक है। वेट लॉस जो होता है ये हमारा हम नेक्स्ट पार्ट से करते हैं क्योंकि नेक्स्ट हिस्ट्री है, ठीक है। फीवर में आपने क्या क्या चीज़ देखनी होती है, फीवर इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, हर एक दूसरे बंदे का सिम्टम होता है, इस वजह से आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्या क्या पूछना है फीवर में। फीवर में सबसे पहले वी विल आस्क फॉर द कि आपको कब शुरू हुआ था, ठीक है। साथ में राइगर्स एंड चिल्स पूछने हैं, ग्रेड ऑफ फीवर क्या था, आपने थर्मोमीटर से जो नहीं रिकॉर्ड किया था, पैटर्न क्या था, ठीक है, ये आपने पूछ लेना है, उससे आपको डिजीज़ का अंदाज़ा हो जाता है और एसोसिएटेड सिम्टम्स पूछ लिए, ठीक है। नेक्स्ट से हम बाकी करते हैं।